हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है आईकू Z9S Pro। आज इस वीडियो में इस फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट करूंगा 100% से 0% तक सिर्फ दोस्तों BGMI खेलकर। सबसे पहले इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इस फोन में 6.77 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर है। हमारे पास है 8GB 128GB वेरियंट, 5500mAh का बैटरी है और इस फोन का जो प्राइस है वो 25,000 रुपीस। ये फोन ना FantaJOS 14 में रन करता है और आउट ऑफ बॉक्स इस फोन में Android 14 भी मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए, इस फोन में दोस्तों 100% चार्ज है और अभी से ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे BGMI को शुरू करेंगे। तो चलो BGMI एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देते हैं। BGMI के अंदर ग्राफिक सेटिंग में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके आप लोग BGMI खेल सकते हो। इवन दोस्तों HD और एक्सट्रीम सेटिंग के अंदर भी आप लोग BGMI खेल पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग भी ट्राई करेंगे, HDR एक्सट्रीम सेटिंग भी ट्राई करेंगे, इवन दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ट्राई करके देखेंगे। बेसिकली दोस्तों बहुत ज्यादा प्रेशर डालने वाले हैं इस फोन में और देखेंगे दोस्तों BGMI के दौरान स्क्रीन ऑन टाइम कितना देता है। तो सबसे पहले चलो 1 घंटे तक स्मूथ एंड एक्सट्रीम करके कुछ मैच को प्ले कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों देखते हैं कितना ज्यादा बैटरी ड्रेन कर पाता है। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों और मैं लगातार इस फोन में BGMI को प्ले कर रहा हूँ। अब चलो हीटिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ ये फोन कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। देखिए फ्रंट साइड में 40 के आसपास है, अगर आप लोग बैक साइड में देखोगे बैक साइड में 39-40 के आसपास है, तो नॉर्मल है दोस्तों, ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है। बैटरी परसेंटेज देख लीजिए, 88% बैटरी अभी भी बचा हुआ है, यानी कि 1 घंटे के अंदर 12% बैटरी ड्रेन हुआ है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग ना थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल में ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देंगे दोस्तों स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग के अंदर और देखेंगे दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में कितना जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है। 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है और मैं लगातार दोस्तों BGMI प्ले कर रहा हूँ। अब चलो मैं आप लोगों को बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ, कितना परसेंट बैटरी बचा हुआ है। देखिए दोस्तों 72% अभी भी बैटरी बचा हुआ है। अब हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं कितना ज्यादा हीट अप हुआ है ये फोन। देखिए दोस्तों फ्रंट साइड से 42.5 के आसपास है, तो अभी तक तो उतना ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है। 2 घंटे तक BGMI खेल रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल करके। खैर चलो अब यहाँ पे हम लोग सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे सेटिंग में आते हैं और यहाँ पे ग्राफिक्स में आके HDR एक्सट्रीम सेटिंग करके खेलेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगा दोस्तों HDR एक्सट्रीम सेटिंग के अंदर और देखेंगे यहाँ पे FPS गिरता है कि नहीं। FPS तो नहीं गिर रहा है, मतलब जो 60 FPS स्मूथ सेटिंग के अंदर वो काफी अच्छा मिला है। जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया था तब भी दोस्तों 60 FPS कॉन्स्टेंट चल रहा था। बाकी HDR एक्सट्रीम सेटिंग के अंदर 60 FPS कॉन्स्टेंट चलता है कि नहीं वो थोड़ा सा मुझे चेक करना है। 4 घंटा कंप्लीट हो चुका है और मैं लगातार BGMI खेल रहा हूँ। 41% बैटरी बचा हुआ है। अब चलो डिजिटल वेलबिंग के अंदर जाके दिखा देता हूँ कितना टाइम तक हम लोग स्क्रीन ऑन टाइम यूज किए हैं, लेकिन उसके पहले ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे। खैर आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, 3 hours 59 minutes तक हम लोग मतलब फोन को इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर BGMI भी है। खैर आप लोगों को सबसे पहले ये दिखा देता हूँ BGMI के अंदर जाके कि BGMI पर्टिकुलर कितना टाइम तक खेले हैं। तो यहाँ पे चेक कर 3 hours 59 ओनली BGMI ही खेले हैं, मतलब आज जो फोन को इस्तेमाल किए हैं सिर्फ BGMI खेले हैं। और ये देखकर ही पता चलता है दोस्तों हम लोग जेन्युइन टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग बोलता है कि हम लोग जेन्युइन टेस्ट नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ये प्रूफ है, यहां से ही आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन टेस्ट है। खैर आप चलो BGMI के अंदर चलते हैं और अब थोड़ा सा ग्राफिक्स हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग ग्राफिक्स के अंदर आते हैं और स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग को सिलेक्ट करते हैं। पहले हम लोग अलग सेटिंग में खेले थे, अभी हम लोग स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग पर खेलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर देंगे, मतलब स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखेंगे और देखेंगे दोस्तों स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में कितना जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है। 6 घंटा कंप्लीट हो चुका है और मैं लगातार यहाँ पे BGMI प्ले कर रहा हूँ। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। अब चलो मैं आप लोगों को बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ। देखिए 8% बैटरी अभी बचा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबिंग के अंदर डिजिटल वेलबिंग दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 5 hours 59 minutes तक हमने सिर्फ BGMI ही खेला हूं। इसके अंदर जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए 5 hours 57 minutes तक सिर्फ हमने दोस्तों BGMI खेला। तो 5 घंटे के बाद दोस्तों हमने BGMI का जो आईडी है वो चेंज करके अलग आईडी से खेलना
शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे भाई लोग बोलता रहता है कि फेक टेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल वेल्बिंग में आके क्लियर कट आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। हीटिंग टेस्ट भी कर लेते हैं दोस्तों, कितना ज्यादा हीट अप हुआ है ये फोन। देखिए फ्रंट साइड में 41 के आसपास है और पीछे की तरफ दोस्तों 41 के आसपास है। तो हाँ, कुछ टाइम के लिए ये फोन 45-46 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी उतना ज्यादा गया नहीं है। अभी हम लोग HDR सेटिंग को ऑन करते हैं दोस्तों, और HDR सेटिंग करके बाकी टाइम खेलेंगे, देखेंगे 8% और कितना टाइम तक चल पाता है। फाइनली दोस्तों ये फोन स्विच ऑफ हो चुका है 6 आवर्स 22 मिनट में। अब चलो इसका हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, कितना ज्यादा हीट अप हुआ है। 40 के आसपास दोस्तों, तो ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है। यहाँ पे चेक कर लीजिए 39 के आसपास है। तो हाँ, बैटरी ड्रेन के टाइम में उतना ज्यादा हीट अप होता नहीं है जब स्विच ऑफ होता है, लेकिन मिडिल में कुछ तो हीट अप हो गया था। इसको मैं लगभग 45 मिनट तक रेस्ट दिया हूँ। अब चलो चार्ज में लगाते हैं। ऐसे भी 80 वाट का चार्जर है, सबसे पहले चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं। चार्जर के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूं। अब चलो पावर को ऑन करते हैं, और यहाँ पे देखिए सिंबल आ चुका है चार्जिंग का। तो मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता हूँ। 10 मिनट हो चुका है दोस्तों, और 21% इस फोन में चार्ज हुआ है। हीटिंग टेस्ट भी कर लेते हैं 10 मिनट के बाद कितना हीट अप हुआ है। देखिए 37 के आसपास हीट अप हुआ है। रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 29 है। 30 मिनट कम्प्लीट हो चुका है, और चार्जिंग के पास देखिए 55% अभी तक चार्ज हुआ है दोस्तों। 5500 mAh का बैटरी है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है चार्जिंग में। बाकी इसका और एक चार्जिंग टेस्ट वीडियो है, जहां पे इसके साथ और भी बहुत सारे स्मार्टफोन है, जैसे कि OnePlus Nord CE4, Motorola H50 Fusion, H50, Vivo V40, Nord 4, और भी बहुत सारे फोन के साथ चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन किया हूं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर एक बार चेक कर लेना। फाइनली इस फोन में 100% चार्ज हो चुका है, वो भी 52 मिनट के आसपास। अगर आप लोग इसका हीटिंग देखोगे तो देखिए दोस्तों 37 के आसपास हीट अप हुआ है, तो उतना ज्यादा हीट अप हुआ नहीं है दोस्तों चार्जिंग के टाइम में। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए कुछ टेस्ट में ना ये 55 तक पहुंच गया था, और कुछ टाइम 50 मिनट के अंदर भी फुल चार्ज हो जाता है। डिपेंड करता है वेदर कैसा है, आप एसी में चार्ज कर रहे हो या बहुत ज्यादा गर्मी में चार्ज कर रहे हो, आपका पावर सप्लाई कैसा है, तो ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। 4-5 मिनट इधर उधर हो सकता है। अगर आप लोगों को हमारे मेहनत अच्छा लगता है, लाइक करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो।